हेलो दोस्तों दोस्तों साइट पे देखो, इस चैनल पर 4000 घंटे पूरे हो गए 24 घंटे के अंदर। एक और चैनल आपको दिखा देने, इस पे भी देख सकते हो 4000 घंटे कंप्लीट हो चुके। एक और चैनल यहाँ पर देख सकते हो, इस पर भी 4000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपके चैनल पर क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स को देखा और वहां पर यही कमेंट था कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो बिना स्किप करे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको काम करना है, तब आपका वॉच टाइम बढ़ने लगेगा और आपका 24 घंटे के अंदर वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो कर देना ज्यादा से ज्यादा लाइक। दोस्तों मेरा नाम है गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। तो दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत का काम यही होता है, सबसे बड़ा कठिन काम है यूट्यूब को चैनल को मोनिटाइज करना। नए नए क्रिएटर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे कहने के मुताबिक सब्सक्राइबर तो आप कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट करने में नानी याद आ जाती है, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ही कठिन काम है और उस कठिन काम को मैं सरल बनाने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आपको सिर्फ वॉच करना है पूरा, और जो स्टेप मैं बता रहा हूं उन स्टेप को आपको फॉलो करना है, तो आपका भी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलो आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरीके से आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना कि दोस्तों आपको ये बगल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक मेरा चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बगल में दिख रहा होगा, ये मेरा एक चैनल है और इस चैनल पर जाना है और यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना। प्रोफाइल पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा, यहाँ पे लिखा है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे यहाँ पे जाना है, वीव ऑल पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ वीव ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, इस पर हम करते हैं क्लिक। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि ये सारे यहाँ पर वीडियो दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इनमें से क्या करना है, आपका जो वीडियो है उन वीडियो को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वीडियो हमने सेलेक्ट कर लिया, और जो ज्यादा मतलब कि जिनकी वीडियो की लेंथ ज्यादा हो वो वीडियो आपको ले लेने। तो जैसे कि हमने यहाँ से 3-4 वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से देखो जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिए। अब करने के बाद यहाँ से क्या करना है, आपको अपने वीडियो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है टाइम न्यू प्लेलिस्ट। तो आपको कितना वॉच टाइम चाहिए आप उतना वॉच टाइम यहाँ पर लिख दें। जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पर कि 4000 मतलब कि 4000 आवर्स वॉच टाइम। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करेंगे प्राइवेट, जहाँ पे प्राइवेसी है इसको पब्लिक कर देंगे। पब्लिक करने से क्या होगा, जो ये आपकी प्लेलिस्ट बना रहे हो आप, ये प्लेलिस्ट सभी के पास पहुंच जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कर दिया क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट हमारी बन गई, देखो यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो ये वाली हमारी प्लेलिस्ट बन गई। यहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है 4000 आवर वॉच टाइम, यहाँ पे लिख कर आ रहा है, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर देखो ये सारा लिख कर आ गया। अब आपको सिंपली करना क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर देखो प्ले ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे सफल लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से समझना वॉच टाइम कैसे आपका बढ़ेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, तभी आपको पता चलेगा कि वॉच टाइम कैसे आपको बढ़ाना है। ठीक है, ये एकदम रियल रियल वीडियो है और रियल तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे आपको वॉच टाइम घटेगा नहीं, पूरा आपको वॉच टाइम मिलता रहेगा। अब यहाँ पे चले जाना है आपको, यहाँ पे देखो प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लाइव पे चले जाना है, लाइव जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या करना है, यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, वॉच टाइम चाहिए ना, तो यहाँ पर हम टाइटल पे लिखेंगे कि 4000 आवर्स वॉच टाइम। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पब्लिक है, इसको हमें क्या कर देना है, पब्लिक, अगर पब्लिक आपको करना है तो पब्लिक अप कर देना है। ठीक है, हम अनलिस्टेड कर दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन आप अगर पब्लिक कर रहे हो तो पब्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, तो यहाँ पे इसको नो कर देना। आपके ऑडियंस अगर यहाँ पे यस है तो आपको नो कर देना, देखो ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, यस और नो, तो आपको नो में लगाना है इसको। ठीक है,
इसके बाद नीचे की तरफ गो लाइव टुगेदर एड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपने टाइटल लगाया उसी को यहाँ पर लगा देना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो स्क्रीन शॉट स्क्रीन कास्ट, अभी इसका उपयोग बताएंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल फॉर लेटर, अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है देखो ध्यान से समझना। इसके बाद नीचे की तरफ देखो यहाँ पे एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है, इस एडवांस सेटिंग पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देखो अलाउ चैट ऑन है, अलाउ रिएक्शन ऑन है, यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन वर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल पे इसको सेलेक्ट कर देंगे, इसको करेंगे इस साइज में, लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में इसको हम कर देंगे, जिस तरीके से लॉन्ग वीडियो को हम क्रिएट करते हैं उसी तरीके से इसको कर देंगे, तब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ से बैक कर देंगे, फिर से बैक कर देंगे। अब यहाँ पे करना क्या ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद स्क्रीन कास्ट ये लिखा हुआ है, इस पे ऑन कर देंगे, इसको क्या करेंगे ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देंगे, जैसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना, थंबनेल लगाने के लिए हमें बोलेगा और यहाँ पे हमें थंबनेल लगाना है। यहाँ पे देखो थंबनेल लगाने के लिए बोल रहा है, तो अगर आपने थंबनेल कोई लगाया बनाया हुआ तो इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पे अपलोड थंबनेल टेक थंबनेल पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कर देना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद गॉट इट कर देना है, गॉट इट करने के बाद स्टार्ट नाउ कर देना, ठीक है। स्टार्ट नाउ करने के बाद ध्यान से समझना करना क्या, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद अब देखो ये वाला सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन, ये पूरा स्क्रीन कास्ट हो गया है, ठीक है। ये सभी व्यूवर्स तक आपकी डिस्प्ले नजर आएगी क्योंकि स्क्रीन कास्ट कर दी। यहाँ पे देखो ये वीडियो ऑफलाइन दिखा रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कैमरा बंद हो गया, यहाँ से देखो ये जो फेस आ रहा था यहाँ पे, इसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से कैमरा बंद हो जाता है, देखो यहाँ पर आने लगा इस तरीके से, इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। इसको बंद करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपनी गैलरी पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ध्यान से समझना, यहाँ पे जाएंगे और इस जगह पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये देखो हमारी प्लेलिस्ट जो थी, इस प्लेलिस्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या करना है ध्यान से समझना, इसको कर देते हैं गो लाइव, यहाँ से कर दिया गो लाइव, देखो गो लाइव कर दिया। अब गो लाइव करने के बाद अब यहाँ पे सिंपली करना क्या ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ये हमारा प्ले ऑल लिखा हुआ, इस प्ले ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसको हम प्ले ऑल पे क्लिक कर दिए, अब जैसे ही प्ले ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको हम कर देंगे प्ले, ठीक है। ये जैसे हमने प्ले कर दिया, यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे ऐड आ रहा है, ठीक है। इसको ऐड को यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे कट करने के बाद इसको सिंपली आपको क्या करना है, ये इसको कर देना फुल स्क्रीन पे। अब ऐसे करके आपको फुल स्क्रीन पे चला देना इस वीडियो को, और वीडियो को चलाने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, ये वीडियो आपका चलने लगेगा और यहाँ पर जितना भी आपका वॉच टाइम है, ये जब लाइव चल रहा है और जितनी भी ऑडियंस आपके चैनल पर आएगी वो लाइव देखेगी, और यहाँ पर जितना भी प्लेलिस्ट में आपने वीडियो को जोड़ा हुआ है सारे वीडियो चलते रहेंगे और ऑडियंस यहाँ पर आती रहेगी लाइव पर और वीडियो आपके चलते रहेंगे। इससे क्या होगा आपके वीडियो को लोग देखेंगे और तो आपको वॉच टाइम भी इससे इंक्रीज होगा, तो ये तरीका होता है। तो दोस्तों जितने भी आपके घर पे फोन है आपको आपको अपना लाइव चालू ऑन कर देना है और वीडियो को चलने देना है। अपने दोस्तों को बोल देना कि भाई एक घंटे के लिए फोन को चालू करके छोड़ दो, इससे हमारा लाइव वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात आप समझ लेना ध्यान से, इसको हम यहाँ से कर देते हैं कट, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं कट। अब ध्यान से समझ लो, ये तरीका सिर्फ उन लोगों को यूज करना है जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, वॉच टाइम जिनको इंक्रीज करना है, ठीक है। जो नए क्रिएटर है और उनका अभी तक वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है तो वो इस तरीके को यूज करके अपना वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है वो इस तरीके को यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे आपके चैनल पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो समझ गए आप, अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका 100% वॉच टाइम बढ़ने का चांसेस हो जाता है। आप 24 घंटे के अंदर अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज करके आप अच्छे से अपने चैनल को 24 घंटे के अंदर आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी करा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों ऐसे रियल कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी अगर है आपको तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आकर के हमें डीएम मैसेज चैट सब कुछ कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश
करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।